हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है माय नेचुरल ब्यूटी एंड हेयर ट्रीटमेंट में। आज मैं आपके लिए स्पेशली करवा चौथ के ऊपर एक बहुत अच्छा घर पे आप फेस वैक्स कर सकते हो। जो हमारे फेस पे हेयर होते हैं वो अच्छे से रिमूव हो जाते हैं, तो हम कुछ भी लगाएं, फेस पे कंसीलर, फाउंडेशन हो गया हमारा, या हम कुछ भी लगाते हैं तो उसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। और अगर आप फेशियल से पहले आप फेस वैक्स कराते हैं तो उसका रिजल्ट होता है 2-3 गुना अच्छा इफेक्टिव होता है, क्योंकि जब हमारे बाल अच्छे से निकल जाते हैं तो हमारे जो पोर्स होते हैं फेस पे वो अनलॉक हो जाते हैं, और फिर उसके बाद से जब हम कोई चीज़ करते हैं तो वो अंदर तक जाती है। तो मैं यहाँ पर आपको एक यहाँ पे फेशियल भी दिखाऊंगी, जो आप करवा चौथ पे आप कर सकते हैं इजीली घर पे, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। और मैं यहाँ पर अभी आपको ये फेस वैक्स बता रही हूँ कि आप घर पे इसे कैसे कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे फेशियल हेयर रिमूवल लिखा हुआ है ये, और ये सिक्का है फेस वैक्स। ये कुछ ऐसे पैकेजिंग में आता है, मैं इसको अभी यहाँ पर आपके सामने ओपन कर रही हूँ। ये देख सकते हैं आप, ऐसा एक बाउल होता है और उसमें ये पूरा अच्छे से थिक होता है, ये बिल्कुल जमा हुआ होता है केक लाइक का केक की तरह। तो इसको हमें क्या करना होता है, हीट करना होता है। हीट करने के बाद जब ये मेल्ट हो जाता है तो इसे हम फेस पे अप्लाई करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इजी वे में हम घर पे ही कर सकते हैं। आप पार्लर में जाते हो इसके 350-250 रुपये, अलग अलग पार्लर के अलग अलग चार्ज होते हैं, तो हम कभी 250 देते हैं, कभी 350 देते हैं। इवन इसका चार्ज जो होता है वो 500 रुपये तक भी हो सकता है पार्लर में। और इसके साथ में एक स्पैचुला ये दिया रहता है जिससे कि हम अप्लाई करते हैं, तो इसको देखते हैं कि इसको मेल्ट कैसे करना है और अपने फेस पे यूज़ कैसे करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये गैस ऑन कर दिया, इसके बाद से हम यहाँ पर इसको रखेंगे। ज़्यादा हमारी ये जो गैस होगी वो ज़्यादा हाई पे नहीं रहेगी, तो यहाँ पर मैंने इसे कम कर दिया है, और अभी ये थोड़ी देर में ये मेल्ट हो जाएगी अच्छे से। और जब ये मेल्ट होती है तो ये बहुत जल्दी सूखने भी लगती है, ठंडी होने लगती है, और थोड़ा सा ठंडी का मौसम भी आ रहा है तो ये इस वजह से ना जमने भी लगती है दोबारा। तो फिर आप इसको दोबारा कर सकते हैं, देख सकते हैं आप ये जैसे मेल्ट होने लगती है तो फिर ये अपने आप से ये राउंड राउंड होने लगता है, दिख रहा होगा आपको। और ये देखिए ये सारा इसका लिक्विड जो बेस है हमारा वो निकल के आ रहा है। हमें इसे अच्छे से मेल्ट करना है क्योंकि हम खुद से कर रहे हैं, तो इस वजह से हमारे पास वैक्स हीटर नहीं है। अगर वैक्स हीटर होता है तो हम उसमें भी पानी डाल करके गर्म कर सकते हैं इसको, और वैसे तो ये आप इस पर भी कर सकते हैं गैस पे अगर आप घर पे करना चाह रहे हो तो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा हमारा अच्छे से गल गया है, हमें जितना चाहिए जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से हम ले सकते हैं। और अगर ये ठंडा होता है तो हम इसे फिर से गर्म कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कैसे इसे यूज़ कैसे करना है। तो आप देख सकते हैं ये जो पैकेजिंग है हमारी, मैंने आपको दिखाया था, ये ऐसे पैकेजिंग में आता है। और ये यहाँ पर आप देखिए, इसको मैं थोड़ा सा कैमरा पास में करूँगी जिससे कि आपको ये शो हो जाए। तो ये आप देखिए, ये बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो चुका है मेरा पूरा ये। और इसके साथ में ये एक रैपर होता है जिसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं, ये हिंदी में भी एक साइड लिखा होता है और ये इंग्लिश में भी लिखा होता है कि हमें ये यूज़ कैसे करना है। तो मैं आपको यहाँ पर बता ही रही हूँ यूज़ करने का तरीका। तो आप यहाँ पर इसे यूज़ कैसे करेंगे, आप एक मिरर ले लीजिए सामने, और ये मेरा पार्ट वन है जिसमें मैं आपको वैक्स बता रही हूँ, फेस वैक्स। और पार्ट टू मेरा रहेगा जिसमें मैं आपको ब्राइडल फेशियल एक है हमारा बहुत अच्छा है, उसका रिजल्ट भी बहुत औसम है, मैं आपको वो सेकेंड पार्ट में दिखाऊंगी, स्पेशली करवा चौथ के लिए है वो। आप उसको अगर आप घर पे, आपके पास टाइम नहीं है बाहर जाकर के आप नहीं करा पाते, तो हम घर पे भी उसे करके बहुत अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट पा सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि ये कितना ठंडा है। अपने बालों को आप अच्छे से ऊपर कर लीजिए और देखिए ऐसे अप्लाई करना है इसको। थोड़ा सा मैं कैमरा यहाँ पे करीब करूंगी अपने, और जब हम इसे अप्लाई करते हैं तो हमारा जो दूसरा जो वैक्स होता है जो हम हैंड पे करते हैं या फिर अंडरआर्म्स वगैरह में करते हैं, तो वो क्या होता है, वो चिपचिपा सा हो जाता है, और ये क्या होता है, ये लगते ही ड्राई हो जाता है बिल्कुल, आप देख सकते हैं इसको। और हमें यहाँ पर इसके लिए स्ट्रिप की ज़रूरत नहीं होती है। फिर तो उसके बाद से आप क्या कर दीजिए कि मिरर को रख लीजिए आप बिल्कुल सामने अपने, और उसके बाद से हमें ये ऐसे इसको क्या खींचना है, और खींच के हमें ऐसे इसको निकालना है।
जैसे ये नहीं निकलता है तो आप इसमें हल्का सा अपना फिंगर डिप कर लीजिए। इसके बाद से आप इसको यहाँ पे जब चिपका देंगे तो ये खुद ही ऐसे करके आप इसको रिमूव कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मेरे छोटे छोटे से हेयर आपको शो हो रहे होंगे और ये सारे रिमूव हो जाएंगे। और कई बार ये होता है, प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होती है कि हमने लगा लिया अब ये निकल नहीं रहा है, कैसे निकालना है इसको। आप यहाँ पे एक लेयर इसकी और लगा लीजिए। यहाँ पे ये लेयर लगा लीजिए आप एक और इसकी, जिससे ये मोटी हो जाएगी लेयर। उसके बाद से आप इसको ऐसे भी करके निकाल सकते हैं, जैसे कि ये जो साथ में इसके ये स्पून दिया होता है। ये ऐसे निकल जाएगा हमारा बिल्कुल अच्छे से। जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा ये, वैसे ये है नहीं डिफिकल्ट। अभी मैं आपको यहाँ पे कैमरा जूम करके दिखाऊंगी कि मेरे हेयर कितने अच्छे से निकल रहे हैं। ये देखिए आप, उसमें पता नहीं कैमरा कैच कर रहा है नहीं कर रहा है, ये देख सकते हैं आप अच्छे से ये हेयर क्लियर। जब ये सूख जाता है तो जब हम इसको ऐसे निकालते हैं, एक बार लगाना है, उसके बाद से हमें अपनी स्किन को स्ट्रेच करना है जिससे कि ये आसानी से रिमूव हो जाए। अब मैं आपको यहाँ पे डिफरेंस भी शो करूंगी। जब हम इसकी थिक लेयर लगाते हैं तो ये इजीली रिमूव हो जाता है बिल्कुल अच्छे से। देख सकते हैं आप कि ये देखिए ये ऐसे निकल जाएगा हमारा। जब हम फर्स्ट टाइम करते हैं कोई भी चीज़ तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जब आप एक दो बार लेयर लगा लेते हैं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। और सबसे अच्छी बात इसकी ये होती है कि हमें यहाँ पर अपने फेस पर ब्लीच करने की ज़रूरत नहीं होती है, और ब्लीच से हमारी स्किन जो होती है बिल्कुल जो हमारी नेचुरल ग्लो होता है वो ख़त्म हो जाता है हमारे स्किन से। तो हम कितना भी मेकअप लगा ले तो वो नेचुरल नहीं आता है, इसलिए मैं आपको ये कहूँगी कि आप ब्लीच ना कराएं और उसकी जगह पर आप ये करके देखें। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप पार्लर में भी ये करा सकते हो। अब यहाँ पे मैं कैमरे को थोड़ा सा नज़दीक करूँगी तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे जितने भी हेयर थे वो अच्छे से क्लीन हो चुके हैं और यहाँ पे बिल्कुल भी रेडनेस नहीं आई है। और इसमें आप डिफरेंस देख सकते हैं मेरे दोनों चीक पे, ये थोड़ा सा डल लग रहा है और ये थोड़ा सा फेयर लग रहा होगा आपको। देखिए आप फोरहेड पे इसको ऐसे लगा लीजिए, थोड़ा सा आईब्रो बचा करके लगाइएगा
और उसके बाद से हमें क्या करना है, जब ये अच्छे से सूख जाए थोड़ा सा, इस पे ये एफलॉ को चिपका के ऐसे निकालना है। देखिए यहाँ पे हमारी जो टैनिंग होती है वो भी रिमूव हो जाती है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारे ये इतना पूरे फेस पे यूज़ करा हमने, तो ये हमारा इतना रह गया है, ख़त्म नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं ये इतनी बड़ी बड़ी लेयर में, और ये आपको यहाँ पे बाल दिख रहे होंगे छोटे छोटे से। तो ये अच्छे से हमारे फेस पे क्लीन हो गया, देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फेस। और उसके बाद से हम जो हमारा फेशियल वाला जो वीडियो है उसमें मिलते हैं सेकेंड पार्ट में। अगर वीडियो आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय, लव यू।